Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फातिमा आपको अपने नौशाही किचन में करती हूँ वेलकम। तो आज मेरे किचन में बन रहे हैं ब्रेड के कबाब, और इनके लिए हमें किसी चिकन की और किसी पोटैटो की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इनको ब्रेड के साथ बनाएंगे। तो इसके लिए मेरे पास हैं 6 स्लाइस ब्रेड के। ब्रेड जो है वो मिल्की नहीं होनी चाहिए, सिंपल ब्रेड लेंगे। और साथ ही मेरे पास है हरा धनिया, प्याज, 2 अंडे, 2 हरी मिर्ची, 1 टेबल स्पून मेरे पास दही का है, हरे प्याज का हरे वाला हिस्सा है, ऑयल हसबी ज़रूरत लेंगे। मसालों में हम इस्तेमाल करेंगे सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा, काली मिर्ची, वैसे गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर, नमक, कुटी लाल मिर्चें और चिकन पाउडर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ ब्रेड जो है मैंने चॉपर में डाल ली है। अब हम इसको सबसे पहले जो है अपनी ब्रेड को वो चॉप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ ब्रेड के जो स्लाइस मैंने आपको दिखाए थे, पहले उनको चॉपर में डाल के इस तरह से उनके क्रम्स बना लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो ब्रेड हमारी जो है वो अच्छी तरह से हो गई। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्ची डालूंगी। और एक अंडा डालेंगे। पहले हम एक अंडा डालेंगे, अगर ज़रूरत महसूस हुई स्टिकी हुआ अगर हमारा बैटर ज़्यादा तो फिर हम दूसरा अंडा यूज़ करेंगे। अभी मैंने ना इसमें दही डाला है, ना हरा धनिया, ना ही प्याज। अभी हम इस बैटर के साथ इसको पहले अच्छे से चॉप करेंगे, फिर आपको दिखते हैं। अभी हमारा बैटर जो है वो काफ़ी ड्राई है, तो इसमें अब दही जाएगा। दही ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो दूसरा अंडा था वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। और अब इसको फिर एक दफ़ा अच्छे से जो है वो चॉप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ आप देख सकते हैं, ये देखिए ब्रेड को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया और ब्रेड मेरी जो है वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है। उसी चॉपर में मैंने प्याज़ों को जो है वो चॉप किया और उनका पानी निकाल दिए, वो ऐड किया, और ये हरा धनिया और हरी प्याज। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसका बैटर तैयार करेंगे। अब फिर हम अपने कबाब बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ ये देखें बैटर जो है मैंने अच्छी तरह से हर चीज़ को इसमें मिक्स कर लिया। अब इस स्टेज पे आप अपनी हसबी ज़रूरत जो है इसमें नमक, मिर्ची, कुछ भी अगर ऐड करना चाहे मज़ीद चेक भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। अब मैं इसे अलग बॉल में डालूंगी। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ कबाबों का बैटर रेडी हो गया। अब कुछ को हम शामी कबाब की शक्ल देंगे और कुछ को हम स्क्वेयर्स पे लगाएंगे और उसे सीख कबाब जैसा बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बैटर के साथ शुरू करते हैं। हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए ऑयल के साथ, और मुनासिब जो है हम इसके इसको मैं रखूँगी एक साइड। और इनको फ्राई करने के लिए हमें कोई अंडा, कोई चीज़ नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट फ्राई होंगे ये। इसी तरह से मैं बाकी के कबाब जो है वो बनाती जाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए मेरे पास स्क्वायर है, इसको हम थोड़ा सा ग्रीसी करेंगे। सॉरी मेरे हाथ थोड़े मैसी हो रहे हैं। अब ये बैटर पकड़ेंगे और इसको इसमें अच्छे से पिरो देंगे। देखो हम इसको कबाब की शक्ल देंगे। आगे दिखाते हैं कि इसको हमने कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि ये ब्रेड है और थोड़ी सॉफ्ट है। तो इसके लिए अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ देखिए कबाब को मैंने जो है वो स्क्वायर पे परो लिया। अब हम इसको चूल्हे की आग पे थोड़ा थोड़ा सा सेकेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा हार्ड होगा इसको इस पर से उतार लेंगे, सिर्फ इसलिए कि ये पूरा एक कबाब की लुक दे, वरना हम इसको सीख कबाब सॉरी परोने के बगैर भी जो है कबाब की शक्ल दे सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चों को ऐसे पसंद है इसलिए मैं इसको ऐसे बना रही हूँ। अब आपको दिखाते हैं इनको फ्राई करके। पनीर की बरकत के साथ मैंने ये जो है अपना तवा रख लिया है। आप तवे पे, फ्राइंग पैन में, जो भी आपके पास फ्राइड चीज़ हो उसमें
ऑयल डाली। ऑयल भी हमें इस पर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना सा ऑयल लेंगे। और इसको आग को जो है बहुत कम रखेंगे, ज़्यादा तेज़ आग पे इनको फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि पता है आपको ये ब्रेड है, इस वजह से। बिस्मिल्लाह, जो है हम अपने कबाब एक एक करके इसमें रखते जाएंगे और लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक जो है हम लोग इनको फ्राई करेंगे। इसी के साथ में ये सीख कबाब जो हमने बनाए हैं ब्रेड के, वो भी इसी में रख दूंगी। और बस अब हम इनको हल्की आग पे फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। तो फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ आप देख सकते हैं कबाब हमारे मीडियम लो फ्लेम पे जो है, सॉरी, वो फ्राई हो रहे हैं। और देखिए मैंने इन पर कोई अंडा नहीं लगाया, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाई इनको फ्राई करने के लिए, मैंने एज इट इज़ इनको ऑयल में डाल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये रती भर भी नहीं टूटे। तो बस इसी तरह लो फ्लेम पे हम इनको जो है फ्राई करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ मेरे मज़ेदार ब्रेड के कबाब रेडी हैं। आप भी खाइए, इन्जॉय कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।